तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए और ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ही हम आ चुके हैं अपने गांव में और देख रहे हैं हम आ चुके हैं अपने खेतों में, एकदम पूरी हरियाली से एकदम छा चुके हैं। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तो ये है हमारे दोस्तों गाँव का खेत और ये है हमारी धान की फसल। हम लोग आज चले आए हैं, गाँव में आने के बाद पहला शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी वीडियो काफ़ी दिन बाद शूट कर रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिएगा। और ये हमारे गाँव की पूरी हरियाली आपको दिख रही है, काफ़ी सुंदर सी एकदम छवि लगाई हुई है। तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है जब गांव में पूरा हरियाली हरियाली देखने को मिलता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये दोस्तों हमारे गांव का पूरे धान का फसल, और देखिए चारों तरफ की फसल लहरा रहा है इधर। और मौसम का कुछ रुख ऐसा दिख रहा है दोस्तों, इस मौसम के रुख में तो काफ़ी मस्त एकदम फसल लहरा रहा है। और चलते हैं, हम आए थे सुबह सुबह टहलने के लिए अपने खेत में। तो ये है हमारा दोस्तों खेत, और हम गांव के किसानों का यही सबसे बड़ी पूंजी होती है खेतों से। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इस खेत का कुछ व्यू, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। और तो देखेंगे आप चारों तरफ ही हमारे खेत के आस पास में एकदम हरियाली हरियाली नज़र आएगी। जानते हैं सावन का महीना बीत चुका है, तो और एकदम पूरा हरियाली हरियाली नज़र ही आने लगा है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं अभी अपने घर की तरफ। तो आप लोग ब्लॉग बने रहिए और अपने गांव के कुछ रोडों का रोड दिखाते हैं। चलिए तो गाइस, चलिए आप लोगों के पौधा दिखाते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ का पौधा है, अगर फल लगा होगा तो इसमें दिखाएंगे ज़रूर आपको। अभी तो इसमें सब फल नहीं लगा दोस्तों, बहुत छोटा सा एक फल देखिए ये लगा है। और सबके यहाँ हर गाँव में ही होता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस चीज़ का पौधा है। और खाने में दोस्तों, जब इतना बड़ा बड़ा हो जाता है तो खाने में काफ़ी मस्त लगता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह पौधा किस चीज़ का है, सपोर्ट करते रहिएगा। दिखाते हैं और एक पौधा और दिखा दें दोस्तों आपको। ये पौधा देखिए, इसका तो हर गांव में होगा, तो ये किस चीज़ का पौधा है देख रहे हैं, इसमें फली भी लगी हुई है। तो जब ये भी पक जाता तो खाने में बहुत मज़ा आता। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस चीज़ का पौधा है। तो भाई देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं या किस चीज़ का पौधा है, किन किन को जानकारी है इन पौधे के बारे में। तो हम आ गए पगडंडियों के सहारे पूरे सड़क पे दोस्तों। ये हमारे गांव का रोड कुछ कच्चा कुछ पक्का, तो उधर पीछे दोस्तों इधर है कच्ची रोड सब, लेकिन ये पुरानी यादें हैं दोस्तों, इसी कच्ची रोडों से जुड़ी हुई हैं, पहले कहाँ पक्की रोड होती थी। तो चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिएगा। तो गाइज, अब कुछ ऐसा नहीं रह गया जो पुरानी यादों को याद दिलाए, लेकिन अभी कुछ हमारे यहाँ के रोड हैं, कुछ पगडंडियाँ हैं जो यादें दिलाती रहती हैं। अक्सर तो जंगल वंगल दोस्तों ख़त्म ही होता जा रहा है, पेड़ कटते ही जा रहे हैं, जंगल तो लग नहीं रहा है। नहीं, पहले हम लोगों के बचपन में इतना बड़ा बड़ा जंगल रहता था। अब यही हमारे सामने जो बाग दिख रहा है दोस्तों, इतना बड़ा बाग था, किसी का हिम्मत नहीं करता था 6 बजे के बाद यहाँ पर प्रवेश कर जाए, इतना बाग था। लेकिन अब देखिए वहाँ पर एकदम बाग काफ़ी छोटा ही हो गया है। और ये सब हमारे गांव था, लेकिन यहाँ पर भी बहुत एकदम झाल झंकार रहता था, लालचकड़ मतलब बाग बहुत थे। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ कट गया है, जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे पूरा परिवर्तन होता चला जा रहा है। इंसान जैसे जैसे इंसान परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे पूरा पेड़ पाग और सब कुछ कटता हुआ चला रहा है। सब नई जनरेशन भी एकदम से कुछ भी नहीं है। तो आज के 20 साल पहले, 20-25 साल पहले कुछ बात की था गांव का, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दिखता है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो गांव शहरों की अपेक्षा गांव में बहुत ज़्यादा चीज़ है। ये है दोस्तों, चलिए आप लोग ब्लॉग बन रहे, सपोर्ट करते रहिएगा। और कुछ ऐसा ब्लॉग दिख रहा है,